राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बीच रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का मामला सुलझने के बजाय बढ़ता जा रहा है। बता दें कि 27 नवंबर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे दिल्ली के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी के बॉयकॉट के बाद अब इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार करते हुए देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान कर दिया है, जिस वजह से हजारों मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि यह हड़ताल क्यों हो रही है। दरअसल नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में देरी के चलते नए डॉक्टर्स की भर्ती नहीं हो रही है, जिसे लेकर हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी पहले से है और अब परीक्षा होने के बावजूद काउंसलिंग में देरी होने से नए डॉक्टर्स की नियुक्ति न होने पर हम पर काम का बोझ बढ़ रहा है। बिना छुट्टी लिए हफ्ते में 120 घंटे तक काम करना पड़ रहा है। बट कोरोना की वजह से एग्जाम पहले डिले हुआ, जो कि सितंबर में हुआ। उसके बाद काउंसलिंग जब आई तो एक कोर्ट केस जल गया, जिसकी वजह से एग्जाम और डिले हो गया और अभी भी काउंसलिंग पे स्टे लगा हुआ है। अभी नवंबर चल रहा है, जो एग्जाम जनवरी में होना था वो ऑलरेडी इतना लेट है और अभी भी नवंबर में एक डेट, नवंबर की हियरिंग में एक डेट दी गई जो कि जनवरी की है। हम लोग 3 इयर्स के पीजी होते हैं, PG1, PG2, PG3। अभी हम सिर्फ PG1 है और PG2 है, PG3 पास आउट होके जा चुके हैं। हम बस 2 साल के पीजी, 3 साल के पीजी का काम कर रहे हैं। हम बैक टू बैक 24 आवर्स कर रहे हैं, जो नॉर्मली 48 आवर्स ड्यूटी होनी चाहिए एक वीक में, हम अराउंड 120 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं, बैक टू बैक ड्यूटी कर रहे हैं। और हमें अभी भी कोई सांत्वना नहीं है कि काउंसलिंग कब की जाएगी। हमने साइलेंट प्रोटेस्ट भी करी थी, जिसमें हमने बोला था कि प्लीज हमें बताइए कि आप इस प्रोसेस को कैसे एक्सपीडेट कर सकते हैं, लेकिन हमें बस वर्बल रीअश्योरेंस दी गई, उसके बाद प्रोसेस एक्सपीडेट नहीं किया गया। अभी भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 6 जनवरी है और उन्होंने 3 वीक्स का टाइम मांगा है टू सिट एंड डिस्कस द EWS और वट एवर द केस इज अबाउट। और अभी भी हमारे जून काउंसलिंग होने का कोई जल्दी का समय नहीं दिया गया है और हम बहुत ज़्यादा ओवरवर्क्ड और ओवरबर्डन्ड है। ऐसे में पेशेंट केयर भी कम होती है, क्योंकि सेम डॉक्टर्स बैक टू बैक ड्यूटी करते रहते हैं बिना खाए बिना सोए, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड पेशेंट केयर भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अब सवाल ये कि आखिर नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में देरी क्यों हो रही है। दरअसल एक विवाद के चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा है। सरकार ने नीट पीजी में 27% ओबीसी और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को देने का फैसला किया था। सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 8 लाख रुपए तक सालाना आय का प्रावधान रखा था। बस इसी मुद्दे को लेकर मेडिकल छात्रों का एक धड़ा सुप्रीम कोर्ट चला गया, जहां मामला लटका हुआ है, जिसकी अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वो हड़ताल जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।